हमारा जो बिहार है ना, हमारा बिहार में लोकल पुलिस जो है वो सपोर्ट करता है दलालों को। मेरा पंगा समाज की जो नेता मुखिया सरपंच टाइप के इंसान होता है ना, जो उनसे और लोकल प्रशासन से भी होता है। जब तक हमारा कानून, हमारा समाज पूरे तरीका से इसको बदलने के लिए एकता नहीं होगा ना, तब तक उस बच्ची की जिंदगी ऐसे नरक होगा। धन्यवाद फातिमा जी। आपके दुखों को कुरेदना नहीं चाहता था, बट मैं ये चाहता था कि आपके उत्तर से समाज में जो होने वाली चीज़ें उनको भी पता चले, हमें भी पता चले कि समाज में क्या हो रहा है। तो उत्तर देने के लिए धन्यवाद फातिमा जी। मेरा प्रश्न आपको है, आपके इस जंग में आपको किन किन लोगों की मदद मिली और क्या सरकार की कोई भूमिका थी आपको सपोर्ट करने की? मैं इधर गोवा का एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे जो पूर्व सीएम थे, उन्होंने रेड एरिया यहाँ की टोटली बंद कर दी थी, और ये रेड एरिया बंद करने के बाद हमारे जो गोवा में खास करके रेड एरिया में लोग बाहर से आते थे, वो सब बंद हो गए। क्या आप क्या कह सकते हैं इस पर? सर, ये है कि हमारा जो बिहार है ना, हमारा बिहार में लोकल पुलिस जो है वो सपोर्ट करता है दलालों को। मेरा पंगा समाज की जो नेता मुखिया सरपंच टाइप के इंसान होता है ना, जो उनसे और लोकल प्रशासन से भी होता है, क्योंकि प्रशासन क्योंकि हम कितना भी कोशिश करके लड़की को लाए तो कानून के हवाले ही करेंगे ना, कानून के ही थ्रू जाएंगे। पर क्या होता है कि कुछ प्रशासन दलाल से इतनी वो रहता है कि वो मतलब बच्ची को रात के अंधेरे में उनके हवाले कर देते हैं। देखिए, 11 साल 12 साल की बच्ची देवेपार में जा रहा है और प्रशासन उनकी सपोर्ट कर रहा है, नाबालिग बोल के उनके हवाले कर देता है। तो क्या होता है कि मुझे बहुत ये लड़ना पड़ता है प्रशासन से भी, दलाल से भी। मेरे ऊपर बहुत हमला होता है, मेरे घर को तोड़ दिया जाता है, मेरे बच्चों के ऊपर हमला होता है, मेरे ऊपर हमला होता है। पर प्रशासन के पास अगर जाने के बाद वो यही बोलता है कि आप इनसे अलग हो जाइए, आप इनको छोड़ दीजिए, ये कभी नहीं बदलने वाले। अगर नहीं बदलने तो मुझे ना ऊपर तख्ते से जाना पड़ता है। पर अभी तक जो वहाँ सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है। पर क्या है कि मैं जैसे आईजी डीआईजी इन लोगों से और एक संगठन से मिल के उस समाज को बहुत हद तक लड़कियों को बचाने में कामयाब हुए हैं। लेकिन क्या है ना कि जब कानून साथ देना छोड़ दे और कानून गलत का साथ दे, उनका कलेजा बढ़ जाता है ना, तो दलाल का कलेजा वहाँ की प्रशासन जो लोकल पुलिस होता है वो बढ़ा दिया है। अब नाबालिग बच्ची देवेपार में, आप उनका छानबीन नहीं कर रहे कि वो 11 साल की बच्ची कैसे देवेपार में आया, कौन डाला, छानबीन नहीं करते हैं और फिर उन्हीं दलाल को सौंप देते। तो उनके लिए तो अच्छा है कि नाबालिग बच्ची से देवेपार कराओ, जो बालिग हो गया तो चलो भाई उनको छुपा लो, पर नाबालिग बच्ची को तो खुलेआम देवे। अभी फिर मेरा लड़ाई चल रहा है कि 5 नाबालिग बच्ची अभी देवेपार में चला गया है और प्रशासन से मेरा चल रहा है, प्रशासन उनकी सपोर्ट में खड़ा है। तो ये है कि जब तक हमारा कानून, हमारा समाज पूरे तरीका से इसको बदलने के लिए एकता नहीं होगा ना, तब तक उस बच्ची की जिंदगी ऐसे नरक होगा। ये ट्रैफिकर के खिलाफ, ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो बहुत आदिमतम पेशा है, इसके खिलाफ लड़ना बहुत कठिन है और अकेले नहीं लड़ा जा सकता। फातिमा को और मुझको भी, फातिमा को तो ज़रूरी सपोर्ट मिला है वहाँ का एनजीओ का, और मीडिया पर्स मीडिया लोगों का भी हेल्प मिला है। और एक एनजीओ जो वहाँ पे काम करती है उसका नाम है अपने आप, वो रुचिरा गुप्ता जो है वो चलाती है, तो उसके उससे मदद मिला है। क्योंकि पीछे मदद के खिलाफ वो मदद ज़रूरी था। गुड इवनिंग एवरीबडी। द फर्स्ट क्वेश्चन टू द फातिमा the director, in your talk you were telling the role of media. What is your plan to the media, how you think media should work on these issues? And second point, when you're making a film on a, I not watched the movie, is a feature movie or is a documentary movie? Documentary.
documentary. Right. You know, answer this, and you have taken the real victim who has undergone that. You never thought that while shooting the documentary, now few questions in the house, she has gone mental emotion, right? When you're really figuring out a document, because I'm a documentary filmmaker, there's again a repeat of her emotions. Is not a one kind of punishment? Would I not take an actor for to play a role like that? Would you? You're not hire an actor in place of her. Like we say, take a film like Bandit Queen. When Shekhar Kapoor made a Bandit Queen, he never used the victim. He used an actress who can perform as a Bandit Queen. If I had used an actor, then it would have become a fiction. It's true, but it's a documentary. But you see, for a few questions, you're all watching here in the hall, how emotionally she has become. No, the category is, the lines are clear. I mean, how we categorize films. So if had there been an actor, it would have been a drama based on a true event, but it would never been a documentary. I do agree, but you can see the emotional, because all at the age of 9, at the age of 12, she has got the mental trauma, you know, as a human psychology point of talking. For a few questions in the media, she has gone so touched, you can see the tears, But emotions are supposed to be in the documentary. But it's true life. It's true life. Something you act in front of camera is different when you ask a victim to, even if a rape victim is taken to police station. Many women actors say, don't ask. The question of asking how you raped her is forbidden by the NGOs and women activists. You're not supposed to do that. Can I say one little thing? Who said I did that? Yes, please. I just wanted to say, I think language is very important in terms of she's not a victim, she's a survivor. She's somebody who's chosen to be on camera. I'm sure sir has gone through his own behind the scenes process of getting her on camera, and I think she's a survivor. She chooses to talk about it. I understand it's traumatic. I understand there's a lot of, I think most filmmakers follow their own set of protocols to make sure they do these things as ethically as possible. And I think we should wear our tears with a lot of pride. I think being emotional on stage should be perfectly fine and acceptable when you've gone through things and you still want to talk about it. I think it's just shows her strength, and if she's uncomfortable, I think she would She's uncomfortable to be there, actually. It's true. The thing is, I thank Munmun for this, really. The thing is, the power equation changes in the sense, suppose in a courtroom or a thana, a main judge asks her to enact or repeat whatever has happened. Then what you're saying is correct. But suppose the power equation changes and the woman says, I will show you. You want to see? I will show you. Then the whole thing changes. So these are girls. That is one thing. Another thing is, I didn't do, what you say is correct. And I didn't. Thank you for that. Yeah. In my film, I didn't indulge in that. Dada, you might have seen that. I didn't stay in with my camera while she was crying. I didn't dramatize. I cut away. I went away from that. I didn't indulge. So you are correct. I agree. No, I didn't want to. Thank you to making such a bold film and highlighting the issues of the woman and girl child. Really thank you. But try it in future films not to use the... It's not a victim, I'm saying. The person who has undergone that trauma. You know, it's a little emotional. I haven't used already. Her. Already, there, so you use directly, directly. Here you are wrong. No. Excuse me. He wants to tell her story to the world. Excuse me, sir.